हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज इस हथेली का हम अध्ययन करेंगे, देखते हैं इस हथेली में हमें क्या क्या नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो क्लोजअप लेके मैं आपको दिखाऊंगा इस हथेली में क्या क्या ऐसी खास चीज़ें हैं जो इसको खास बनाती हैं। तो सबसे पहले जैसे हम शुरू करते हैं फिंगर से, तो देखते हैं कि इस हथेली की फिंगर्स हमें क्या बता रही हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा फिंगर्स का साइज की तरफ ध्यान दें। जैसे कि आप देख सकते हैं इनकी जो फिंगर्स हमें बता रही हैं, फिंगर्स में सबसे मेन चीज़ जो बात नोट करने वाली है वो है इनकी अपोलो फिंगर। अगर आप ध्यान से देखें तो इनकी अपोलो फिंगर काफ़ी लेंथ लिए हुए है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ से, यहाँ पर अगर मैं एक लाइन खींचता हूँ और यहाँ यहाँ पर एक लाइन खींचता हूँ, तो यह फ्लैंजल इनका बड़ा है। जुपिटर फिंगर यानी बृहस्पति की फिंगर का जो फ्लैंजल छोटा है, और इनका यह फ्लैंजल काफ़ी लंबा है। और साथ ही साथ यह फिंगर काफ़ी लंबाई लिए हुए है, लेकिन थोड़ी सी टिल्ट है इसमें। यहाँ से अगर आप देखेंगे थोड़ा सा टिल्ट कर रही है सैटर्न फिंगर की तरफ। तो बताना चाहूँगा कि इसमें क्या क्या खूबियाँ हैं इनके हाथ में। तो यह जो अपोलो फिंगर है इनकी लंबी है, यह इनके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भरती हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ इनके अंदर होंगी। आर्टिस्टिक हैंड है ये, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसमें खास चीज़ और, थोड़ा क्लोजअप लेके यहाँ पर बनने वाला एक स्टार, अपोलो माउंट पे बनने वाला एक स्टार, जो कि अब आपको शायद क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ ताकि बिल्कुल क्लियर रहे आपको। ये आप देखें, यह अपोलो की लाइन है, उसके बाद इसको दो लाइनें इस तरह से कुछ काट रही हैं। एक प्रॉपर स्टार की फॉर्मेशन बन रही है। जिनके हाथ में ऐसा स्टार बनता है वह बहुत ही लकी होते हैं। लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इनकी जो किस्मत है वो थोड़ी सी एज निकल जाने के बाद चमकती है। यानी कि मैं ये नहीं कहूँगा कि ये 20-25 की साल से ही बहुत लकी हो जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जाएगी इनकी किस्मत चमकती जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, यह एक अपोलियन हैंड है। इनके हाथ में जो इनकी अपोलो फिंगर है काफ़ी लंबी है, जो इनको काफ़ी ज़्यादा फायदा देने वाली है। ये किसी भी आर्ट से रिलेटेड कोई भी बिजनेस चूज करें, कोई भी ट्रेड चूज करें आर्ट से रिलेटेड हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा इनको कामयाबी मिलेंगी और ये फेमस भी होंगे उस फील्ड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस इन लाइन्स को मैं ज़रा मिटाता हूँ, जो मैंने स्टार का चिन्ह बनाया था इसको मैं मिटा रहा हूँ ताकि हमें आगे देखने को मिल सके और क्या क्या है इसके हाथ इनके हाथ में। तो आगे देखते हैं इनके हाथ की जो मरकरी फिंगर है वो बहुत ज़्यादा छोटी है। यानी कि इनकी अगर फिंगर्स की प्लेसमेंट को देखा जाए तो फिंगर जो प्लेसमेंट हमें बताती है, कुछ तीन ये जो माउंट हैं काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन अगर हम चौथे माउंट की बात करें तो यह काफ़ी डाउन जा रहा है, डीप जा रहा है। तो मरकरी माउंट इनका ज़्यादा डीप है। मैथमेटिकल क्वालिटीज़ इनके अंदर थोड़ी कम होंगी, यानी कि बिजनेस माइंडेड ये कम होंगे, या किसी आर्ट का रास्ता ही चुनेंगे अपनी फ्यूचर लाइफ में, यानी कोई आर्टिस्ट ही बनेंगे। उसमें ये सिंगर बन सकते हैं, मेकअप आर्टिस्ट, पेंटर, या कोई भी ऐसा डांसिंग का शौक हो इनको, कोई भी ऐसा इनको शौक हो जिनमें आर्ट का यूज़ हो रहा है, तो ये उसको चूज करें तो ये बहुत इनके लिए शुभ रहेगा। और इनके हाथ में अगर हम लाइंस को देखें फिंगर्स के ऊपर, तो दोनों तरफ की लाइंस बन रही हैं। यानी थोड़ा सा स्वभाव में इनके गुस्सा भी है और सीधी लाइंस भी हैं, फ्रेंडली भी हैं, और किसी को कोई बात मुंह पे बोल देने वाला इनका स्वभाव थोड़ा थोड़ा है। अगर इनको कुछ बुरा लगता है तो ये मुंह पे बोल देते हैं, और ऐसे में वो व्यक्ति इनसे दूर हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि कुछ लाइंस इनके हाथ में ऐसी बन रही हैं जो इस तरफ को हैं। यह जो लाइंस होती हैं यह व्यक्ति को थोड़ा सा दूसरों से दूर कर देती हैं। तो ऐसी कुछ थोड़ी सी फॉर्मेशंस इनके हाथ में बन रही हैं। तो यह एक नेगेटिव पॉइंट कह सकते हैं, जैसे किसी को या कुछ भी बोल देना और उससे उस व्यक्ति का इनसे दूर हो जाना, ये एक नेगेटिव पॉइंट भी इनके लिए हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं लाइंस की तरफ, लाइंस पहले माउंट्स की तरफ, माउंट्स में देखते हैं और क्या क्या है। सिंपथेटिक लाइंस काफ़ी अच्छी हैं इनके हाथ में। यह जो लाइंस हैं, जो जिसके बारे में कुछ और वीडियोस में भी बता चुका हूँ पहले से, यह जो लाइंस हैं सिंपथी की, इनके हाथ में भी काफ़ी बृहस्पति माउंट पर देखी जा सकती हैं। यह जो लाइंस होती हैं, यह सिंपथी की लाइंस होती हैं, इनके हाथ में काफ़ी ज़्यादा हैं।
और एक पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस बन रहा है, जो कि कंप्लीट तो नहीं है लेकिन पार्शियल है। ये भी काफ़ी प्रभावशाली होता है। अगर जैसे पूरा बन जाए तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन जितना इनके हाथ में बन रहा है यह भी काफ़ी प्रभावशाली होता है। ये गर्डल ऑफ वीनस इन्हें काफ़ी सेंसिटिव बनाता है, यानी किसी का दुख नहीं देख सकते ये। और उसके अलावा इनके हाथ में जो बनने वाला क्रॉस है, यहाँ पर यह जो क्रॉस की फॉर्मेशन बन रही है, ये काफ़ी शुभ है इनके लिए। यानी कि अगर यह कहा जाए कि इनके अंदर बृहस्पति की क्वालिटीज़ भी होंगी, लीडरशिप की क्वालिटीज़ भी होंगी, तो यह कहना गलत नहीं होगा। यानी अगर ये किसी आर्ट को चुनते हैं तो उस आर्ट को लोगों को सिखा भी सकते हैं, यह भी काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट इनके लिए एक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके हाथ में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो इनके लिए शुभ हैं। तो एक मिस्टिक क्रॉस बन रहा है इनके हाथ में, जो काफ़ी क्लियरली दूर से दिखाई दे रहा है। इसको हम पामिस्ट्री में मिस्टिक क्रॉस कहते हैं, यानी कि यह वाला क्रॉस जो है ये एक मिस्टिक क्रॉस होता है। ऐसा मिस्टिक क्रॉस होना, वो भी सैटर्न माउंट के नीचे, सैटर्न फिंगर के नीचे, इनको रहस्यवादी बनाता है। यानी रहस्यमय चीज़ों में इनका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा होगा, जैसे स्पिरिट्स, धर्म और रिलीजियस चीज़ों में, और इन सब चीज़ों का ज्ञान ये सारी ज़िंदगी प्राप्त करते रहना चाहेंगे, और यह इनके लिए काफ़ी अच्छा है। इनको रिलीजियस बनाएगा यह मिस्टिक क्रॉस। चलिए आगे देखते हैं और कौन कौन से साइन है। इसको मैं ज़रा रब कर रहा हूँ। उसके बाद अगर देखा जाए बाकी के माउंट्स ठीक हैं, सैटर्न माउंट ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है, जो इनको मटीरियलिस्टिक नहीं बनाता। अगर सैटर्न माउंट ज़्यादा उभरा हो तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा मटेरियलिस्टिक हो जाता है। और मरकरी माउंट बहुत ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है, हल्की सी प्लेसमेंट भी नीचे की है, ज़्यादा डीप नहीं है। उसके बाद बात करते हैं इनकी लाइंस की। अगर देखा जाए तो इनकी जो हार्ट की लाइन है, काफ़ी ओवरलैपिंग उसमें हो रही है। अगर आप ध्यान से देखें, ये इनको मैं आइलैंड्स तो नहीं कहूँगा, ये ओवरलैपिंग है थोड़ी सी हार्ट से। यानी इमोशनल सेटबैक इनको लाइफ में आते रहेंगे, जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, काफ़ी इमोशनल पर्सनैलिटी है इनकी बिकॉज ऑफ गर्डल ऑफ वीनस। उसके अलावा इनके हाथ में जो हार्ट की लाइन है, यहाँ पर एक छोटा सा गैप बन रहा है, और यहाँ पर डबलिंग हो रही है हार्ट की लाइन की, जो इनको काफ़ी इमोशनल बना रही है। और हार्ट की लाइन से नीचे जाने वाली ये जो लाइंस हैं, यह कुछ रिलेशनशिप्स में कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं इनकी लाइफ में। अदरवाइज हार्ट रिलेटेड कोई खास मेजर प्रॉब्लम इनके हाथ में नहीं है। अब आगे देखते हैं इनकी माइंड की लाइन को। अगर माइंड की लाइन को देखा जाए तो माइंड की लाइन इनके हाथ में एक जगह से ओवरलैप हो रही है, जिसको मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जो इनकी माइंड की लाइन है, यहाँ से ये ओवरलैप हो रही है। देखिए यहाँ तक ये माइंड की लाइन ऐसे चल रही है, और यहाँ से इसकी ओवरलैपिंग हो रही है। यानी ये शो करता है शिफ्ट इन माइंडसेट लाइफ में। मिडिल एज में जाकर या एक बार पूरी तरह से चेंज हो जाएंगे। यानी जो इनका माइंडसेट, सपोज ये पहले कुछ पाना चाहते हों, और लाइफ लाइफ में कुछ ऐसी कोई इंसिडेंट हो जो इनको पूरी तरह से बदल के रख दे, कुछ ऐसा माइंडसेट। धीरे धीरे यही लाइन यहाँ से ऊपर की तरफ चल रही है, यानी इमोशनल सेटबैक दिखा रही है। उसके बाद दोबारा से ओवरलैपिंग से नई लाइन शुरू हो रही है। यहाँ से पूरी तरह से चेंज ऑफ माइंड इनके हो जाएगा। यानी कि लगभग जो उम्र होगी वह 30+, यानी 30 से 35 के बीच में, ऐसा माइंडसेट। यह जो एज जितनी ओवरलैपिंग हो रही है, इस एज में जाके इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ें देखते हैं इनके हाथ में क्या क्या है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लाइफ की लाइन की, तो बहुत कम एज में ही ये इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। और इंडिपेंडेंट अगर मैं कहना चाहूँ तो ये 15-16 साल की एज से इंडिपेंडेंट हो गए होंगे, क्योंकि उसके बाद इनकी दोनों लाइनें अलग अलग, माइंड की और लाइफ की लाइंस अलग अलग जानी शुरू हो गई हैं। काफ़ी अच्छी लाइफ लाइन है। और उस जिस हिसाब से वीनस का माउंट है, और वीनस के माउंट की तरफ लाइफ लाइन जो मुड़ रही है, यह इनको काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड बनाती है। यानी कि फैमिली के साथ इनका काफ़ी ज़्यादा फैमिली की तरफ झुकाव रहेगा। फैमिली के साथ लाइफ स्पेंड करना सबसे ज़्यादा इनकी प्रायोरिटी रहेगी। चलिए आगे देखते हैं और मून की तरफ से आने वाली लाइनों के बारे में डिस्कशन करते हैं। अभी मून की तरफ से काफ़ी लाइन्स इनके हाथ में आ रही हैं, जो इनको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करवाएंगी। काफ़ी ट्रैवलिंग लाइन्स हैं, यानी विदेश यात्राएं
काफी होंगी इनके हाथ में। मैं दिखाता हूँ आपको अभी ड्रॉ करके किन लाइंस की मैं बात कर रहा हूँ। यह जो लाइंस हैं कुछ कुछ यह लाइंस जिनको आप देख सकते हैं, और कुछ यह लाइंस जो हैं जो ऊपर की तरफ चल रही हैं, और इवन कि इनकी जो लक लाइन है यह भी मून से ही जा रही है। यानी इनका फेमस होना तो पक्का है, यानी किसी आर्ट की वजह से इनको इनकी जो लक है वह भी लक लाइन है वह भी मून की तरफ से निकल रही है। तो यह इनके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी हैं, और मैं कहना चाहूँगा कि ये जो मुझे इनके माइंड सेट में चेंज दिखाई दे रहा है 35 से 35 की एज में, यहाँ पर जाके इनकी जो एज है यहाँ 30 से 35 के आसपास की बनती है, और यहाँ पर जाकर एक माइंड सेट चेंज होगा, एक प्रोफेशन में चेंज आएगा, और जो दिखाई दे रहा है मुझे यानी बाहरी प्रभाव से, जैसे कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ क्लियरली, जैसे कि बाहरी प्रभाव से यह जो इनकी लाइन चल रही है यहाँ तक आप देख सकते हैं, यह जो इनकी लाइन चल रही है इसमें एक लाइन मून की तरफ से आके और मर्ज हो रही है, इस तरफ से आकर साथ चल रही है इसके, यानी कि स्पोर्ट लाइन है ये। तो ये लाइन जो इस एज में यानी यहाँ पर माइंड सेट में चेंज है, यहाँ पर जो चेंज हो रहा है यह लाइन उसी को दर्शाती है, यानी कि इस एज में जाकर, और इस आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गैप है इसने फेट लाइन को भी एक बार से नए सिरे से शुरू किया है, यानी फेट लाइन आगे चल रही है या कर मिक्स हो रही है हार्ट लाइन में। तो यहाँ पर आकर एक मेजर चेंज होगा, उसके बाद यह जो स्टार फॉर्मेशन हो रही है यह बता रही है कि भविष्य में यह काफ़ी प्रोग्रेस करेंगे, काफ़ी फेमस होंगे। तो यह सारी कॉम्बिनेशंस मुझे जो बता रही है, जिसके बारे में प्रिडिक्ट करना चाहूँगा कि 30 की एज के बाद 35 के आसपास इनकी लाइफ में एक मेजर चेंज आने वाला है जो इनकी लाइफ को बदल के रख देगा। उसके बाद यह किसी आर्टिस्टिक चीज़ में इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे, वो कुछ भी हो सकता है जिसके बारे में बताना अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन उस आर्टिस्टिक चेंज की वजह से ये काफ़ी फेमस भी होंगे, प्रोग्रेस भी काफ़ी ज़्यादा होगी, और बहुत ज़्यादा इनको नेम एंड फेम मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें थी जिनके बारे में मैं इस हथेली में फाइंड आउट कर पाया हूँ। विदेश की यात्राएं कई लिखी हैं, लेकिन विदेश में सेटल होना के बारे में इसमें मुझे कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा, दिखाई दे रहा। लेकिन हाँ, एक अगर इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए, एक बार दोबारा से इस लाइन का एनालिसिस करते हैं, मैं इसको थोड़ा क्लोजअप लेके देखता हूँ। हाँ, बन रहा है इनका विदेश में सेटल होने का भी चांसेस काफ़ी बन रहा है, क्योंकि यह जो लाइन थी यह पहले मुझे क्लियरली दिखाई नहीं दी, अभी इसको अच्छी तरह से मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। सेटल भी हो सकते हैं ये विदेश में, यहाँ से देखें यह लाइफ की लाइन जा रही है, और उसके बाद एक लाइन प्रॉपरली मून की तरफ निकल गई है और बहुत बड़ी लाइन है। तो ये पक्का विदेश में सेटल होंगे, और ये हो सकता है कि उसी गैप के बाद ये सारी घटनाएं इनकी लाइफ में हो। यहाँ पर मस्तिष्क रेखा में गैप दिखाई दे रहा था हमें, हो सकता है उसी गैप के बाद ही ये सारा कुछ इनके जीवन में घटित हो। यह जो गैप है 30 से 35 की एज, और यहाँ पर जो लाइन्स जा रही हैं बाहर की तरफ, इनको फैमिली से बाहर की तरफ लेके जा रही हैं, फॉरेन ट्रैवल की बहुत सारी लाइंस हैं। तो यह सारे एनालिसिस थे इनके हाथ के बारे में जो मैं फाइंड आउट कर सका। तो अगर इनके अलावा आपको कुछ और दिखाई देता है इनके हाथ में, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इनकी और हेल्प हो सकती है कि कोई चीज़ मैं मेंशन करनी भूल गया हूँ तो आप कमेंट्स में बताएं, ताकि हम इनकी और हेल्प कर सकें इनकी प्रेडिक्शंस के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए मेरा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा ये वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।